या आपने बम्पर पे क्रैक का निशान तो देख लिया होगा आप। अब जाहिर सी बात है कोई छोटा वजह तो नहीं कर सकता किसी ने, या तो जानबूझ के मारा है, गलती से भी हो सकता है किसी से, लेकिन अब इत्तेफाक तो इतना क्या इत्तेफाक है, पहले बम्पर दूसरी साइड से तोड़ा, अब इस साइड से तोड़ दिया। ये कुछ 3 4 हफ्ते पहले मेरे छोटे भाई का रिजल्ट था, मैं रिजल्ट लेने जा रहा था घर वालों के साथ, तो मैंने उस टाइम देखा था कि ये बम्पर पे ना पीछे से किसी ने तोड़ा हुआ है। तो उस टाइम मैंने घर में अबू को बताया मैंने कि किसी ने बम्पर यहाँ पीछे से तोड़ दिया गाड़ी का। ये बात अब साइड पे थी। अब ये फिर परसों ये गाड़ी निकालनी थी हमने, मैंने तकरीबन 20 एक दिन बाद गाड़ी को देख रहा था, तो देखा जी उस साइड पे एक करके डेंट भी किसी ने मारा है। अब ये उस टाइम था जिसमें हमने क्रैक देखा था। अब गली में छोटे बच्चे भी खेलते हैं, तो ये हो सकता है उनसे गलती से लग गया हो, तो इस पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो बम्पर जिसने भी तोड़ा है मेरा। फिर वक्त आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं, ऐसी गंदी हुई है, धूल मट्टी चढ़ी हुई है, बाहर से बारिश होने की जैसे ऑटोमेटिकली साफ़ हो गई है, अंदर से बहुत गंदी है। इस टाइम आपको गाड़ी का साउंड सिस्टम भी चेक कराते हैं, ये पहले नहीं मेरे ख्याल से चेक कराया था, तो आपको वो साउंड सिस्टम चेक कराएंगे आज की इस वीडियो में। बेस को इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि एम्पलीफायर 2 चैनल लगा हुआ है, कम वॉल्ट वाला है। तो बॉयज़ आपको गाड़ी बाहर से भी चेक करा देते हैं, मेरे से बात वॉक अराउंड देते हैं। स्टिकर स्टिकर की भी नहीं जान छोड़ी, स्टिकर भी उतार के रख दी इन्होंने, सिफर मसला है। ये एक ट्यून सी लगाई है, आप इसे बेस चेक कर सकते हैं गाड़ी के। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल दोबारा बनाएंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और करें इंशाल्लाह ज़रा कोई अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो में ईद अब करीब आ रही है, तो गाड़ी शाड़ी को साफ वगैरह करवाना है और धुलवाना भी है, तो इसमें एक जुगाड़ लगाने हैं। इस वीडियो में आपको अगर मैं दिखाऊँ तो जो इसकी विंड स्क्रीन है इस पर छोटे छोटे से निशान वगैरह हैं, और इसका इंटीरियर तो माशाल्लाह ही है, तो विंड स्क्रीन के जो निशान हैं आज की वीडियो में हम उसको मिटाने का भी जुगाड़ आपको बताते हैं कि किस तरह मिटा सकते हैं, और इंटीरियर को भी थोड़ा बहुत साफ़ करना है, तो यही दिखाएँगे। तो वो निशान मिटाने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी, एक लीमू चाहिए होगा, उसके बाद एक छुरी चाहिए होगी, इसे काटना होगा पहले। वो अगर मैं आपको दिखाऊँ काट देना इस तरह करके, इसका जूस गिरेगा, फिक्र नहीं करनी आपने। इसे आप जो छुड़ी होगी उसको आप किसी कपड़े से साफ़ कर दें और रखते हैं साइड पर करके। उसके बाद ये 2 लीमू के पीसेस आ जाएंगे आपके पास, एक पीस को आप साइड पर करके रख दें, और ये जो दूसरा पीस होगा इसको आपने ना विंडस्क्रीन पे मलना है।
करने के बाद आपकी विंड स्क्रीन ना कुछ इतना दिखेगी, मस्की तो गंदी लगती होगी लेकिन आपने उसके बाद में गीले कपड़े के साथ ना साफ कर देना। उम्मीद है कि फोटो तो रहा होगा। अभी से हम कपड़े को गीला करके इसे साफ करेंगे। रिजल्ट दिखाओ तो ये देखें जी, विंड स्क्रीन फुल यस हो गई है।